सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इंडियन आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आर्ट। तो आज हम गोपाल जी के लिए होली स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो हम होली के लिए गोपाल जी के लिए बहुत ही कलरफुल सी ड्रेस तैयार करेंगे। तो उस ड्रेस को तैयार करने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें राउंड कट करने हैं। मैंने यहाँ पे दो क्लॉथ्स लिए हैं, आप कोई भी कपड़ा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बीच में हमें बुकरम चाहिए, ये बुकरम आपको इजीली शॉप पे मिल जाएगी। हमें डिफरेंट कलर के सिल्क थ्रेड चाहिए, तो ये भी आपको इजीली शॉप पर मिल जाएंगे। जहाँ पर हमें गोटे का सामान मिलता है वहाँ पर ये आपको सिल्क थ्रेड आराम से मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कितने कलर यूज़ करने हैं तो आप उसी हिसाब से ये सिल्क थ्रेड ले सकते हैं। और ये हमें सिंपल थ्रेड और निडल लेनी है, इन सभी जो भी हम बंडल्स प्रिपेयर करेंगे उनको इसके साथ जोड़ने के लिए। और ड्रेस की बाजू प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ रिबन्स चाहिए, तो ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह किसी और चीज़ से भी बाजू तैयार कर सकते हैं। हमें सीज़र चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सुई धागे का यूज़ ना करना पड़े तो आप यहाँ पर ग्लू गन या फिर फेविबॉन्ड ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ हमें अपने ड्रेस को प्रिपेयर करना है, तो चलिए ड्रेस बनाना देखते हैं। तो ड्रेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ड्रेस का बेस तैयार करेंगे। तो बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक अस्तर का कपड़ा लिया है, उसके बाद मैंने ये बुकरम लिया है और फिर से मैंने एक कपड़ा लिया है। तो मैं इन सब का बेस तैयार करूँगी अपनी ड्रेस का। तो मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें इसलिए ली हैं जिससे मेरे गोपाल जी की ड्रेस का जो बेस है वो टफ़ रहे और बाद में वो लूज़ ना हो जाए। तो आप यहाँ पे तीन ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप सिंपल एक पे भी इसको बना सकते हैं। तो ये राउंड मैंने अपने गोपाल जी की मेज़रमेंट के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से कट किया है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कितना लेना है ये मेज़रमेंट, तो हमने एक पहले ही वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने साइज़ से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो आप उसे एक बार पहले जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें गोपाल जी का बेस बनाना है। तो यहाँ पर आप इन सबको एक साथ अटैच कर दें। मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इस पर सिलाई भी कर सकते हैं। सिंपली आपको सिलाई करना है इसको चारों तरफ से। इसी तरीके से हमें इसे दूसरे वाले कपड़े को भी पेस्ट करना है इसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने इसे दोनों तरफ से पेस्ट कर लिया है। अब मुझे इसमें से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे निकाल देना है। अब मुझे इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। इस तरीके से मैं कट कर दूंगी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से। और इस तरीके से इसे पेस्ट करने के बाद हमें इसे साइड से इसके धागों को लाइटर की मदद से बर्न करना है। आप यहाँ पे कैंडल की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने राउंड प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और बीच में से इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे मार्क करके भी इसको कट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लगभग हाफ इंच या फिर अपने गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से राउंड लेना है और यहाँ पे हमें कट लगाना है। तो हम इसमें एकदम से ज़्यादा कट नहीं लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसका कट कर लेते हैं जिससे कि बाद में ये बड़ा ना हो जाए। और इस तरीके से हमने इसे बीच से कट करने के बाद एक साइड से हमें इसे ओपन रखना होता है, तो उसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने बेस तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसी ड्रेस को बनाने के लिए इस तरीके के टैसल्स प्रिपेयर करने हैं। तो हम टैसल्स प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके के टैसल्स प्रिपेयर करने के लिए हमें कोई भी कलर की हमें यहाँ पे सिल्क थ्रेड लेनी है, जिस जिस कलर की भी हम बनाना चाहते हैं वही वही हमें सिल्क थ्रेड ले लेने हैं यहाँ पे। और इस तरीके से कोई भी कार्डबोर्ड का आप यहाँ पे कार्ड ले सकते हैं और उसको आपको कट कर लेना है जितने भी हाइट के आप या जितने भी लंबे आप ये टैसल्स बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें ये कार्डबोर्ड लेना है और इसके ऊपर हमें अपनी ये सिल्क थ्रेड को इस तरीके से लपेटना है। तो हमें इसमें
काफ़ी सारे राउंड्स देने हैं, तो आप यहाँ पे 30-40 राउंड्स दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर पूरा लपेट लिया है, तो आपको इतनी राउंड देने हैं जिस हिसाब से आप जितनी मोटाई चाहते हैं अपनी टेसल्स की। तो यहाँ से इस तरीके से कवर करने के बाद अब हमें इसे अपनी कार्डबोर्ड को इस तरीके से फोल्ड करना है, और जितना भी हमारा ये हमने इस पर लपेटा है एक साइड से इसको इस तरीके से पकड़ना है हमें, और ये निकाल देना है एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद हमें इसे ऊपर की तरफ से इस तरीके से पकड़ना है। और हम यहाँ पर ये सिंपल थ्रेड ले रहे हैं जो कि हम सिलाई में यूज़ करते हैं, और उसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से पूरा अच्छे से बाइंड कर देना है जिससे बाद में हमारे टेसल्स निकले नहीं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ये फिंगर जैसे मैंने पकड़ा हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से लूप बनाकर इस पर ये यहाँ पर गांठे लगा दूँगी इस तरीके से। तो हमें फिर से एक लूप बनाना है और उसके अंदर से ये धागा निकाल के इस तरीके से नॉट बनानी है हमें, इस तरीके से अच्छे से बाइंड हो जाएगा और बाद में ये खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से नॉट बनाने के बाद हमें नीचे की तरफ से जो हमारे फोल्डेड है इन सभी को कट कर देना है। तो अच्छे से हम इन सबको कट कर देंगे नीचे से, ओपन कर दिया हमने इसके सारे माउथ, और फिर हमें इसमें से ये एक्स्ट्रा नीचे से जो कटिंग आ रही है उन सबको निकाल देना है। तो इस तरीके से हमारी ये टेसल बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे कलर के टेसल्स तैयार करने हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि सबका जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए, सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए, मोटाई और चौड़ाई तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 से 5 कलर, ज़्यादा भी कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन सभी सिल्क थ्रेड को यूज़ करके हमें अपने सारे टेसल्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे टेसल्स तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 5 कलर यूज़ किए हैं, इससे मेरी ड्रेस बहुत कलरफुल बन जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं तो कम भी यूज़ कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम इन टेसल्स को अपनी ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। तो टेसल्स को इसके साथ अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर सुई धागा यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस तरीके से अपनी टेसल्स को लेना है जिस भी कलर को हम फर्स्ट लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर की टेसल ले रही हूँ पहले, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रख कर और इसके नीचे से धागा निकाल लेंगे हम, और फिर इसकी जो हमने ये नॉट बनाई है उसके अंदर से हमें निकाल के यहाँ पर इसको बाइंड करना है। इस तरीके से मैंने अलग अलग 5 कलर की टेसल्स को अटैच कर लिया है। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर ब्लू, येलो, पिंक, ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लेके सारे टेसल्स को इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी।
तो देखिए इस तरीके से हमने अपना ये पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी ये स्पेस बचा है इस पर भी हमें टेसल्स लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे निडल की मदद से अपने सारे टेसल्स अटैच किए हैं। तो हमने यहाँ पे निडल्स की मदद से अपने सारे टेसल्स को अटैच किया है। आप चाहे तो यहाँ पे ग्लू गन या फिर फैब्रिक बॉन्ड ग्लू या फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अब अपनी सेकेंड रो ग्लू गन के साथ आपको पेस्ट करके दिखा रही हूँ, उससे भी ये ईजिली अटैच हो जाएंगे और काफ़ी स्टिकी भी हो जाएंगे कि ये जल्दी से उतरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप गोपाल जी को बार बार वॉश करके पहनाना चाहते हैं तो आपको सुई धागे की मदद से ही इसको पेस्ट करना है। तो इसी तरीके से मैं अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लेंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने टेसल्स को ग्लू गन से पेस्ट करके अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी कलरफुल सी ड्रेस बहुत सुंदर दिख रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन्हें और भी आपको इक्वल करना है तो आप इन्हें सीजर की मदद से एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स बाहर निकले हुए हैं। बाकी ये ऐसे भी बहुत सुंदर दिख रही है। तो इस तरीके से हमने अपनी ड्रेस का बेस तैयार कर लिया है। अब हमें इसके साथ बाजू अटैच करनी है, बाजू तैयार करनी है। तो अब हम ड्रेस की बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू तैयार करने के लिए हमें ये कपड़ा चाहिए, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। और हमें रिबन चाहिए, रिबन आप यहाँ पर मल्टी कलर बाजू भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपल बना रही हूँ। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करके इसको सिलाई कर लेना है, अगर आपके पास सिलाई मशीन है या फिर निडल की मदद से आपको इसे सिलाई कर लेना है। मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वॉशेबल ड्रेस नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ आपको आइडिया देना है कि आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो अब हम इसको इस पर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये स्ट्रिप प्रिपेयर कर लिया है। तो मैंने ये पूरा मेजरमेंट अपने गोपाल जी की बाजू के हिसाब से लिया है, आपको भी उन्हीं के हिसाब से ये स्ट्रिप लेनी है। इसमें से हमारे दो बाजू निकल जाएंगी। तो अब हमें इस पे रिबन अटैच करना है, तो वो भी मैं ग्लू गन की मदद से कर रही हूँ। आप यहाँ पर निडल या फिर सिलाई मशीन की मदद से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी स्ट्रिप प्रिपेयर कर ली है। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे, तो हमारी दो बाजू बनके तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। और जैसा हम हर बार करते हैं हमें ऐसे ही करना है, इसको हमें एक दूसरे के ऊपर रख के बीच से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सुई धागे की मदद से भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे गोपाल जी की चोली रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम अपनी ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसमें साइड में भी यहाँ तक सिलाई कर सकते हैं हाफ में, जिससे उनकी बाजू की ये शेप आ जाए यहाँ पर। तो मैं इसको सिंपली अटैच कर दूंगी ड्रेस के साथ। तो हमने बाजू को जो हमने तैयार किया है उसे घेरे के साथ अटैच करना है। तो हमें कुछ इस तरीके से अटैच करना है कि जैसे हम हर बार करते हैं, हमने जो चीज़ें सिली है हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है, ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पर पीछे की तरफ इस तरीके से अटैच करना है। मतलब जहाँ से हमने अपने दोनों साइड ओपन रखे हैं उसके अपोजिट साइड में हमें इसको अटैच करना है। और हमने जो ये एक एक बाजू बनाई है इनको हमें इस एक एक कॉर्नर पर, जो ये हमारा ओपन साइड है उस तरफ पेस्ट करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये बाजू को सिलना है। आप चाहे तो इसे सिलाई कर सकते हैं, वरना ग्लू की मदद से भी आप इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बाजू को अटैच कर लिया है अपनी बेस के साथ और घेरे के साथ।
तो अब हम बाजू हमने सिंपल रखी है, आप चाहे तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, आप इस पर स्टोन्स भी पेस्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बिना भी हमारी ड्रेस बहुत सुंदर दिख रही है। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही इजीली बन जाने वाली सुंदर सी ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार है। तो आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।